हो। अरे मानव तू भी बिक गया। गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई और फिर ठीक करने हम नीचे उतरे तो बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम लोग भीग गए बारिश से, है ना? पार्टी कैसे हुई? आई आज पार्टी में बहुत मजा आया। आई तेरी बहू ने आज वो काम करके दिखाया कि अच्छे अच्छे सब इसे देख रहे थे। मतलब ऐसा क्या किया क्या उसने? मतलब ये कि एकदम इंग्लिश मेम की तरह इसने इंग्लिश में ऐसे फर्राटेदार बात की ना कि सब सब इसकी शक्ल देख रहे। आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे, ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा ही तो बहुत बड़ा काम किया तुमने। आखिर बहू किसकी है? अब आपने मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके मन में भी जहर भरने लगे, वो भी मेरी आई के खिलाफ। अरे आपकी वजह से वो आई को आज ही नहीं मानती है और उनके पास जाने के लिए तैयार तक नहीं होती। मंजू विनोद अच्छा हुआ तुम आए, समझाओ जरा अपनी आई को, रोज रोज का नाटक है और अब तो इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके कान भरने लगे मेरी आई के खिलाफ, जहर भर दिया उनके मन में। अरे रुचि और पुन्नी ने आई को बाजी मारने से इनकार कर दिया। प्लीज आई तू ऐसा क्यों करती है? जिस तरह से तू बच्चों की आजी है उसी तरह से रसिका ही उनकी आजी है। तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में हमारे बच्चों को क्यों घसीट रही है? देख विनोद तू अभी होश में नहीं है। भाई मैं बिल्कुल होश में हूँ, और मेरे होश में होने या ना होने से सच्चाई नहीं बदल जाती। हमेशा से ऐसा होता है, तू दस दलीलें देती है, सफाई पेश करती है और हमेशा से तू ही गलत साबित होती है। आपने इस घर का माहौल बिगाड़ के रखा हुआ और बाहर बाबा ने, बाहर जाता हूं तो लोग मुझे ताने देते हैं कि इसका बाप। विनोद बस बहुत हो गया, चलो। वर्षा अरे बाबा वर्षा को देखा क्या आपने? वर्षा को नहीं तो? अरे भावना जी वर्षा को देखा क्या? मैंने इसलिए फोन किया था, वर्षा आई क्या वहाँ पे? नहीं क्यों क्या हुआ? आप परेशान लग रहे, क्या बात है सतीश जी? नहीं टेंशन की बात नहीं है, वो एक्चुअली वर्षा यहाँ से बिना बताए किसी को कहीं चली गई है, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे घर पे गई होगी इसलिए मैंने फोन किया। नहीं सतीश जी वो यहाँ तो नहीं आई। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ, हो सकता है कहीं आस पास ही हो। लेकिन एक काम करना, अगर वो वहाँ पर आती है तो प्लीज मुझे खबर कर देना, ठीक है? हाँ हाँ सतीश जी बिल्कुल। अंधेरी में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके सीमेंट में मिलावट। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे? तुम्हें क्यों बता रहा? तुम्हें गलत नहीं हो तो तुम इस कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल में, और कोई भी माल तुम्हारे अप्रूवल के बिना सैंक्शन नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते? मैंने जानबूझकर वहाँ घटिया माल भिजवाया है, मैं सीमेंट में मिलावट कर रहा हूँ? हाँ अभी तक तो मैंने इल्ज़ाम लगाना शुरू भी नहीं किया, मैं तो तुमसे बस इंक्वायरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी में इतना घटिया काम करने वाला और कोई नहीं। बस करो मानव, मैं क्या करता हूँ कब करता हूँ उसे ढूंढना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना तुम्हारे बस की बातें, तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी मुझ तक पहुँचते पहुँचते, समझे? बात तो तुम सही कर, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ ना, भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे पास सबूत आए भी नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया उस दिन मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। हवा में बातें करना छोड़ो, तो साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मैं मुजरिम हूं। ये मेरा तुम्हारे लिए चैलेंज है, हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो। Excuse me.